أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझें आसान तरीके से, कोर्स में सफा 4 इशारा 1 की क्लास में पूछना। सर काशिफ इस वक्त जो है वो आउट है, वो इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्लास आपकी नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ चल सकूँ। तो आइए चलते हैं। हमने ये देखा था कि पहले इस पारे के हमने 4 हिस्से किए, हर हिस्से को पाओ कहते हैं। पहला पाओ जो है उसके 5 सफात शामिल है, और ये 5 सफात हम इस सितू में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 सफे अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिए। आज चौथा सफा शुरू। ये सफों में 2 सूरतें हैं, सूरतुल फातिह और फिर सूरतुल बकरा की 37 आयत। ये दोनों जो है इनका असल जो महवर है वो हदायत है, और फिर मुत्तकीन काफिलीन नाफिलीन दावते कुरान, और आखिरी जो 5वां सफा होगा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कुछ किस्सा हो। इन 5 सफों को याद करने के लिए हम अपने इन सफों को ऐसे रखते हैं, पहला सफा हम देखकर और आखिरी 5वां सफा जो है वो छोटी हुई है। तो आइए, आपने 3 सफे पूरे कर लिए, पहले उनके इशारा देख लेते हैं। आप में से कोई अगर पहले सफे के इशारे दुरा दे। जी सैमा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, या तो मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही, या आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं आपकी आवाज करता आ रही। जी, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ मुत्तकियों के लिए, हदायत मुत्तकियों की सफा। और दूसरे सफ़े के इशारे थे, काफिरों को हदायत नहीं, नाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ 2 रुख है। आलमन स्लाइड जो है वो आपको नजर नहीं आ रही है, मैं देख रहा हूँ, तो लेट मी सी ये स्लाइड आपके साथ शेयर। उस वक्त तक आप में से कोई अगर काइंडली इसे दोहरा सके, पहले सफे के इशारे दोहरा दीजिए। सर मैं हाँ कर दूं दोहराइए दोहराइए, सारे करूं या शुरू से? पहले सफे के इशारे। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ मुत्तकियों के लिए, हदायत मुत्तकियों के सिफात, तारीफ दुआ हदायत और सिफात, काफिरों गुड, को हदायत नहीं। कर दूं दूसरे? इशारे जी। काफ्रीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ 2 रुखे, हदायत दूसरे में भी यही आएगा, या काफ्रीन या मुनाफिकीन कैसे बोलूं, और फिर तीसरे के कोई और जो है तीसरे सफे के इशारे दोहरा दे। जी, पहली मिसाल की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। सिस्टर इफ़त, आप होस्ट हो गई हैं, काइंडली मुझे होस्ट कर लीजिए। तो तीसरे सफ़े के इशारे क्या थे? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। गुड, तो आइए इनके मुख्तसर इशारे भी अगर कोई दोहरा दे। जी आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आप तो माशाल्लाह बड़ी प्रैक्टिस हुई है, अगर आपको अभी स्लाइड नजर आना शुरू हो गई है तो मैं आपको उसकी जरिए दिखा देता हूँ। जी, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ मुत्तकियों के लिए, हदायत मुत्तकियों की सिफात, काफिरों के लिए हदायत, नाफिकीन के लिए हदायत नहीं, क्यों? फसादी और बेवकूफ 2 रुखे। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान। मुख्तसर हम कह सकते हैं, तारीफ दुआ हदायत सफात, काफीन नाफकीन फसादी तो रुके, आग बारिश दुआ बच्चा। आज हमने चूंकि चौथा सप्ताह शुरू करना है, तो आइए उसके इशारों को एक बार देख लेते हैं। पहला इशारा इसका है वईद बशारत, दूसरा इशारा है मच्छर की मिसाल, और तीसरा इशारा है
राह कौन, और चौथा इशारा है कुफर कैसे। तो आइए इसे भी उंगलियों पे रख के देखते हैं, वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। आप में से कोई एक बार इसे दोहरा दे। वईद और बिशारत, मच्छर मच्छर की की मिसाल, मिसाल, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद, मच्छर, गुमराह और कुफर। कुफर। तो आइए चलते हैं आज के सब की तरफ। पहला इशारा है वईद व बिशारत। तो इससे पहले अल्लाह ताला ने जो है कुरान मजीद के बारे में शक करने वालों को चैलेंज किया था। क्या किया था कि वो कुरान की सूरत की तरह कोई एक सूरत बना लाए। अब अल्लाह ताला कुरान को कबूल ना करने वालों को धमकी दे रहा है, और जिन्होंने इसे कबूल किया उन्हें खुशखबरी दे रहा है। तो आइए आज की आयत जो है वो हमारे सामने है, आप इसे अगर कोई तलावत करना चाहे। जी जी आप में से कोई अगर इसकी तिलावत करना चाहे प्लीज। जी सिस्टर साजदा, क्या आप करेंगी। सिस्टर साजदा राशिद, आपने हैंड रेज किया, क्या आप इसकी तिलावत करना चाहती हैं। कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन वबश्शिरिल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाती अन्ना लहुम जन्नतिन तजरी मिन तख्तिहल अनहार कुल्लमा रुज़िकु मिनहा मिन समरतिन रिज़कन कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िकना मिन कब्लू वऊतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरतुम वहुम फीहा खालिदून। जजाकला। इसमें ये लफ्ज आपने जन्नत जो है इसको कुछ सही नहीं आता, कहीं से देख लीजिए। जन्नातिन, नून के ऊपर शद और खड़ी जबर है, तो ये क्या हुआ, जन्नातिन, यानी नून की दो आवाजें आएंगी और उसको खींचे। तो आइए अब इसके अंदर जो है आप फा क्या चीज है। फा बस हर, गुड। और इन अगर अगर हर्फ, तर्जमा नहीं पूछ रहा मैं, हर्फ फेल इसम पूछ रहा हूं। लम हर्फ, ये तीनों हर्फ हैं। तफ़ालू इसके बारे में क्या ख्याल है, इसम है, फेल है, हर्फ है। फेल फेल है, फेल फेल सर मुजारा, पे फेल मुदारे मुजारा। का नजर आ गई, आपने पहचान लिया कि ये मुदारे का फेल है। गुड। वा जो है क्या है, ये हर्फ है, अभी पीछे हमने देख लिया। लन जो है ये भी याद रखिए हर्फ होता है। तफ़ालू, फिर वही लफ्ज आ गया जो पीछे हमने पढ़ा था, फेल है, मुदारे का है। फत्तकू, इसके फेल, बारे में क्या ख्याल है, हर्फ इसम फेल में सीखी। ये इसके फेल है दो सर, हिस्से, फेल फेल है, अमर है, फेल इसके अमर जमा। दो हिस्से, फा फा हर्फ है और आगे इत्तकू जो है ये जमा का सीगा है अमर का। अन्नार के बारे में क्या ख्याल है, इसम फेल हर्फ में से क्या है। इसम इसम है सर, क्योंकि अलिफ लाम आ गया। आगे है अल्लाती, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसम इसम है। एक तो फेल ये अल्लाती पे वैसे ही शक होता है अलिफ लाम का, और इसके अलावा भी ये जो है अल्लाती जो है मौसूला के अंदर है। वकूदुहा, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं।
वकूदू सर एक लफ्ज है और हा एक है। वकूदू, हाँ आपने दूसरी बनाया, हा जमीर इसम है, वकूद जो है ये भी इसम है, वाओ इसका जुज है, ये अलहदा नहीं है। अन्नास के बारे में क्या ख्याल है? इसम इसम वल हिजारा, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसम फेल हर्फ, इसम है, इसम इसम और मोनस इसम है, इसम है, इसमें 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 दो चीजें, वा जो है हरफ है, अल हिजारा जो है जहां से अलिफ लाम शुरू होता है वो जो है इसम है, और आपने दुरुस्त फरमाया वाहिद है, मोनस है और बार्फ है क्योंकि अलिफ लाम। तो इद्दत ये क्या है? इसम फेल हर्फ, इस सर फेल फेल है, ये फेल है। है, ता साकिन आगे मौन। ये एक चीज याद रखते हैं, माजी की पहचान हम कैसे करते हैं? वा वा वाली फा आ जाए, ता आ जाए जबर के साथ, तू ता पेश के साथ जाए, ता साकिन आ जाए, ता जेर के साथ आ जाए, ये क्या है? माजी की पहचान है। तो यहाँ पे ता आ रही है साकिन, मोनिस की इलामत है, और क्या है? माजी की पहचान। लिल काफरीन, इसके बारे में क्या ख्याल है? सुफिल हर लिल लिल जो है हरूफ है और एक काफिरीन काफिरीन जमा और एक एक हर्फ है और एक इसम है सर। आपने दुरुस्त कहा, इसमें लाम जो है वो हरफ है, लिल नहीं, लाम हरफ है, लाम जैसे हटेगा ये बन जाएगा अल काफिरीन। यहाँ पे अलिफ जो है वो जी गिरा हुआ है, ये लिल नहीं है, ये जी ली और अल काफिरीन है। अल काफिरीन जैसे अलिफ लाम नजर आएगा आपने कहा जी ये इस समय मान लिया। आगे चलें, वबशिर इसमें वबशिर, वाह हर्फ है सर, वाह हरफ है और बशर बशर फेल है, जो है इसमें सर। ये भी इसमें इसमें बस इसमें अल्लाजीना के सिर्फ बारे में क्या ख्याल है? इसमें फेल हर्फ, इसमें सर इसमें इसम इसमें इसम वाहिद है जमा है, जमा 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 वाहिद सर, जमा क्या होगा? जमा अल्लाह जी सर, जी वाहिद इसमें क्या होगा? अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह जी अल्लाह बहन तो जी क्या, अल्लाह जी ना अल्लाह जमा है जी सर, अल्लाह जी मुजक्कर है मोनिस है, मुजक्कर मुजक्कर तो इसका मोनिस क्या मुजक्कर होगा? अल्लाह जी का मोनिस अल्लाह जी सर अल्लाह अल्लाह जी जी, वो ऊपर लिखा हुआ है, इसी के ऐन ऊपर लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह आमन जी अल्लाह से। अल्लाह जी अल्लाह जी आमनु के बारे में तुम बताइए, आमनु क्या है? इसम फेल है, फेल 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 जमाए वाहिद है, जमा जमाए ये बात, जमा 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 है, बाओलिफ माजी है, मुदारे है, जमा माजी माजी मुदार, मुदार या माजी माजी? मुबारक माजी की पहचान है मैंने अभी आपको बताई थी, वाओ अलिफ ता जबर ता अभी पेश ता साकिन ता जेर, ये किसी के आ जाए, या जो है नून मुशद्दद आ जाए, या ये जो है ये माजी की पहचान। आगे वामेलू, वामेलू इसका क्या ख्याल है हरफ फेल के बारे में? वा जो है हर्फ है और वो आमिलू फेल है, फेल है सर, फेल वो गैब का सीगा है, फेल माशाल्लाह। असवालिहात, हाँ जी अब पता चलेगा कितना आता, इसम ये इसम है इसम है, मोनस है, इसम है मोनस जकर है या मोनस है, प्लूरल मोनस मोनस है, प्लूरल वाहिद है या जमा है, जमा 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 है जमा या मार्फा मार्फा है लेकिन है? जब अस्वालिहात भी इसम देखें आपने ये चार चीजें उसके बारे में सोचनी है, ये इसम है, आया वाहिद है जमा है, मुजक्कर है या मोनिस है, मार्फा है या नकरा, आपको देख के पता, बेशक उसका तर्जमा आपको ना आता हो, उस लफ्ज के मायने ना आता, लेकिन ये चार चीजें आपको पहचाननी है। आइए मार्फा और नकरा की अलिफ डेफिनेशन बता सकते हैं जी? लाम लग जाए तो मार्फा हो गया, कोई किसी का जाती नाम हो तो मार्फा हो गया, वरना नकरा, किताब जो है नकरा, अल किताब मार्फा हो गया। आइए जी अन्ना, अन्ना के बारे में क्या ख्याल है? इसमें फेल हर्फ, हर्फ हाँ है सर, हर्फ लघु के बारे में क्या ख्याल है? ला हर्फ है और हुम जो है इसम है फेल तो इसमें जमीर इसे कहते हैं, है जन्नातिन जन्नातिन ये इस जमा जमा है इसम है,
जमा है सर, जमा और जम है। वेरी गुड, जमा है। मुन्न से ये खड़ी अलिफ जो है, ये खड़ी अलिफ की निशानी जो है अलिफ ता के साथ है। तजरी, तजरी, हाँ जी, इस्म फेल है, फेल है, फेल है, माजी है, मुदारे है, मुदारे, तजरी, मुदारे, मुदारे, वाहिद है या जमा? जी मिन के बारे में अच्छा एक बात याद रख लीजिए, अरबी के अंदर बाज औकात बाज चीजें जो है खिलाफ तवक्को आती है उसको हम कहते हैं इस्तिस्ना, उसे क्या कहते हैं? मिन जो है नॉर्मली जो है नॉर्मली हर्फ होता है, लेकिन कभी कभी ये जो है इसम भी बन जाता है। जब हम तर्जमा इसका कहते तजरी मिन तहतिहा, बहती हैं जिन के नीचे, जिन जिन जो आ गया ना ये क्या है इसम का है, इसम, इसम माँ जैसे होता है ना, माँ आपने पढ़ा था हर्फ के तौर पे, लेकिन माँ जब दरमियान में जुमले में आ जाता है तो वो भी इसम बन जाता है, इसम बन जाता है, माँ मसूला उसे कहते हैं। इसी तरह ये मिन भी यहाँ पर इसम है, बस ये आपने याद रखना है। तातिहा जी इसम फेल हर्फ, फेल ये जी फेल है और मौनस है, इसम है, मुदारे है, मौनस। आज के सबक की एक बड़ी खास बात है, वो ये है कि सबक के आखिर में आपको एक स्लाइड इंशाल्लाह आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ, उसमें वो अस्मा होंगे जिन पे इसम की इलामतें नहीं आती लेकिन वो बतौर इसमें ज़र्फ़ ज़मा या ज़र्फ़ मका इस्तेमाल होते हैं, उनमें से ये एक इस वक्त आपके सामने है। तहत, तहत कहते हैं नीचे, ये जो है इसमें ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ है, जगह को ज़ाय करता है। इमाम ऊपर, फौका कहता, वो पूरी एक स्लाइड है इंशाल्लाह मैं आपके साथ सबक के आखिर में शेयर करूंगी। फिलहाल ये याद रख लीजिए तहता जो है इसम है और हाँ इसमें जमीर है। अल अनहार के बारे में जो है आपको बता दूं, अलिफ लाम आ रहा है इसम है, नहर जो है वाहिद होता है, अनहार इसकी जमा है, कुल लमा एक और लफ्ज जी, कुल लमा इसके बारे में क्या ख्याल है? कुल्ला इसम है और मा भी इसम है। गुड, कुल्लमा एक ही लफ्ज है, इसके टुकड़े हम नहीं करेंगे सिस्टर, इसको एज ए सच एक ही है। रूजी को, रूजी को, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त फेल है, कौन सा फेल है? और जमा है, जमा गायब, जमा भी है, वो भी सही कह रहे हैं, कुछ और भी है, कोई खास है जो मैं सर फेल है, रूजी को है, मजहूल है, जब भी किसी फेल के पहले अरब पे पेश आए ब्रेक, ब्रेक लगाओ, क्यों आया पेश? माजी के पहले हरफ पे हमेशा हमेशा जबर आएगा, लेकिन अगर पेश आ जाए ब्रेक लगाओ, क्यों आया? एक वजह मजहूल है, यहाँ पे ये मजहूल है, बाकी क्या है वो फिर किसी और देखे। आगे चलिए, मिनहा, मिन हरफ नहीं वो आज ज़मीर, गुड, यहाँ पे मिन जो है ना वो से के मायने में आ रहा है, मिनहा, तो इसलिए इसे हम हर्फ लेंगे, वहां पे जो है वो जो के मायने में आ रहा है। आगे चलिए, समरातिन, हाँ ये तो खुद बता रहा है मैं क्या हूँ, अब ये बताइए नकरा है या मारफा है? भाई पूछ रहा था ना ये नकरा मारफा क्या होगा, देखिए इस पे कोई अलिफ लाम नहीं, इससे हम कहेंगे नकरा है, अनहार पे अलिफ लाम था, हमने कहा ये मारफा है। आगे चलिए, रिज़कन, रिज़कन खुद बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, क्या है जी इसम है सर, दो जबर नजर आ रहे हैं, दो जबर, दो पे, दो जेर आए, पक्की निशानी है इसम। कालू, कालू क्या है, कौन सा है, माजी है, उदारे है, अमर, अमर माजी है,
माजी है और माजी गायब माजी है जमा माजी जुमा। है। अच्छा एक बात थे बस, जैसे इसम के बारे में आपने चार चीजें बतानी होती हैं, आया ये इसम है या नहीं है, ये वाहिद है या जमा है, ये मुद्दस है या मुजक्कर है, और ये जो है नकर है। फेल के बारे में भी आपने चार चीजें बतानी। नंबर एक, ये फेल है या नहीं, अगर फेल है तो ये आया जो है माजी है या मुदारे है या अमर है, आया ये वाहिद है या जमा है, और चौथी बात ये कि ये है कौन, गायब का सीगा है, हाजिर का सीगा है, या मुतकल्लिम बात करने वाला। गायब काला कालू, का जमा ये आपको सारे जवाब टीटीआई देगी। काला कालू, जैसे हाथ किया इसने बताया जमा का सीगा है, गायब का सीगा है, माजी का सीगा है, और है फेल। तो ये चार चीजें याद रह जाएंगी कि फेल के बारे में भी चार बातें आपको चाहिए होती है। इसम आगे चले, हाजा हाँ हाजा इसम फेल हाँ अल्लाजी, वो अभी तो हम इसकी बात कर रहे थे कि वाहिद के अल्लाजी ना, ये लीजिए कि वाहिद भी आ गया, ये मुज़क्कर है ऊपर अल्लाह की, मोनिस भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो है ये इसमें मौसूल तीनों आ गए। जी प्लीज आप अपनी बातें ना कीजिए और म्यूट रखिए ताकि आपको मेरी बात समझ आए। जवेरिया आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो आगे है फिर रुजिकना, ब्रेक लगाए नहीं, रुजिकना आ गया, पेश वाला लफ्ज आ गया, मजहूल हो गया सर, मजहूल हो गया सर, और जमा में हो गया, मजहूल नहीं हो गया वो लफ्ज, मजहूल हो गया रुजिकना जी, मजहूल हो गया। मजहूल होता क्या है जी, ये बताइएगा प्लीज। मजहूल क्या होता है, एक होता है एक्टिव जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो सब्जेक्ट होता है, डूवर होता है, उसको कहते हैं मारूफ, और इसके उलट जो पैसिव होता है उसको कहते हैं मजहूल, जिस पे असर हो, जो मफूली हालत में हो उसको मजहूल कहते हैं। ये भी आपको आगे चल के बड़ी तफसील से आएगी, क्योंकि अभी तक तो हमने फाइल मफूल और फेल पढ़ा है ना, या मस्तर पढ़ा है तो। इंशाल्लाह ये मजहूल का भी आपका आखिरी जो क्लास होगी ना उसमें एक पूरा वो एक्सरसाइज आपकी कराई जाएगी, नसरा नसरू से जो है वो मजहूल की भी होगी। ये आएंगे तो पहचानना जरूरी है ना। आगे चले, मिन जो है क्या जी, मिन कबलू, मिन के मैं इसम है, मिन इसम माने से से है, और कबलू जो है क्या, कबलू इसम है, इसम, वेरी गुड, इसम और इसम जर्फ। आज आपने तीन लफ्ज जो है ऐसे पढ़ लिए हैं जो इसम है लेकिन उन पे इलामत नहीं है, कुल्ला मा था, इसी तरीके से तहता या तहत था, कबलू है, इसी में तीन तो यही हो गया। वाउतु, वाउतु क्या है, इसम फेल हर्फ, हर्फ है वाउ, हर्फ है, और उतु जो है फेल है, जमा क्या फेल है, मुतशाबे हा, हा को अलहदा कर दे, जमीन मुतशाबे क्या है, इसम फेल हर, इसम, वेरी गुड, एक्सलेंट। ये जो मीम वाले लफ्ज होते हैं ना, इन पे हमेशा गौर क्या करें, ये जो है अक्सर इसमें फाइल या इसमें मफूल होते हैं। वला हुम, वा अलिफ वाओ हरफ, लाम हरफ, हुम जो है जमीर इसम, फी हा फी जो है हरफ, हा जमीर, अजवाज इसम फेल हर, इसम 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 है, जमा वाहिद जमा, इसम जमा मुजक्कर है, मोनिस है, मोनिस है सर, मोनिस अगर बोलता आती ना, जौजतुन, जौजतुन एक लफ्ज होता है, होता है जौज, जिसका ये जमा है जौज, जमा है जौज जो है वो वाहिद होता है, लेकिन ये ग्रामर में दोनों के लिए भी ये भी इस्तेमाल होता है। मुतहर्रा तुम जो है ये इसम है, दो आगे है, और बोलता से पता चला मोनिस है, वाहिद है,
और टकरा है क्योंकि ये कलिकम वा जो है हरफ है, हम जो है जमीर है, पी जो है हरफ है, हा जमीर है, फाल इसम फेल हर इसमें सर उसमें खालिदून जो है ये इसम है बावजूद कि हमने माना। चलिए अब आपका आज है यहाँ की अजवाज सर खत्म हुई। सवाल सर एक क्वेश्चन है, अजवाज मोनस है या मुजक्कर है? मैं टाइम पहले मैं बहुत ज्यादा लगा चुका हूँ, 10 मिनट में मुझे कवर करना था, मैंने 25 मिनट लगा दिए। प्लीज म्यूट लीज दे ताकि बात को गौर से सुन ले। पर इलम पर अगर दम प्लीज म्यूट देम। तो आइए आगे चलते हैं। पस इन अगर लम ना, लम जो है डिड नॉट के मैनी में, तफअलू लम तफअलू क्या होगा, तुम ना कर सको, माजी में हो जाएगा तर्जमा। वा और लन, लन के मैनी होते हैं विल नॉट, यानी फ्यूचर के लिए होते हैं, वलन तफअलू और तुम हरगिज ना कर सकोगे, फत्तकू तो डरो, फत्तकू डरो किससे, अनार आग से, अल्लती जो वकूदुहा ईंधन होगा उसका, किसका, नार, नार क्या है, मोनिस लफ्ज है ये याद रखिएगा, हा इसीलिए आया है मोनिस, अनासो इंसान, बल हिजारा और क्या है पत्थर, हिजर कहते हैं पत्थर को, यह हिजारा ये उसकी वाहिद है, हिजर जो है इसकी जमा के उससे, और इद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीन काफिरों के। अब अल्लाह ताला ये बता रहा है अगर तुम ये कर सकते हो कि इस जैसी एक सूरत ले आओ तो बना लो, और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे तो बस तुम क्या है आग से डरो। और वो कौन सी आग है, वो ऐसी आग नहीं है कि उसमें लकड़ियां जलेंगी या जो है उसमें कोई और फ्यूल होगा, उसमें खुद इंसान जलेंगे, तब जब इंसान खुद जलेगा और पत्थर जलेंगे, यहाँ पत्थर से मुराद जो है तफसीरों में आता है बुत जिनकी इंसान पूजा करता रहा, वो बुत भी जलेंगे जिन्हें देखकर और अज़ियत होगी कि दुनिया में हम इनकी पूजा करते थे, आज ये भी हमारे साथ यहाँ जो है सामने जल रहे, और ये तैयार की गई है काफिरों। तो ये हमने देख लिया, फत्तकू तो डरो, अन्नार आग से, अल्लती जो वकूदुहा और जो इसका ईंधन होगा, नास हिजर हजरे अस्वद जैसे पत्थर, अच्छा हजर वो इद्दत तैयार की। 1400 साल से अब तक भी कोई कुरान के इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सका, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के में अरब के लोग अरबी लुगत की फसाहत और बलागत के माहिर थे, वो कहते थे बाकी दुनिया अजम है गूंगी है, इस्लाम की दावत को रोकने के लिए उन्होंने जंगे तक की मगर वो कुरान के मुकाबले में कोई एक सूरत भी ना ले सके, अगर वो कर सकते तो उसी वक्त कर लेते और उन्हें इतनी मुश्किल से गुजरना ना पड़ता, वो नहीं कर सके, आज तक नहीं लोग कर सके, इवन सुपर कंप्यूटर रिफ्यूज टू मेक अ सूरत इन। आइए, आग लकड़ी वगैरह से जलाई जाती है मगर जहन्नम की आग में इंसान खुद ईंधन होगा, यानी उसके जिस्म का जर्रा जर्रा जल उठेगा जिससे तकलीफ कई गुना बढ़ जाएगी, आग लकड़ी वगैरह का असर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे जो पत्थर है ईंधन होंगे, उन पत्थरों का जिक्र शायद इससे मुराद वो बुत है जिनकी इंसान पूजा करता है, और इन झूठे बुतों की वजह से वो खुद भी आग में जल रहा होगा और वो भी जल रहे होंगे उसके साथ। तो आप में से कोई एक सिर्फ प्लीज इसको जो है तर्जमे के साथ पढ़ते एंड रेज कीजिए। जी बिस्मा जमील, आप जो है ये पढ़ लीजिए और इसका तर्जमा फाइन पास अगर लम तफअलू तुम ना कर सकोगे आप तो लेकर ना ना नहीं छोड़ दे फिलहाल छोड़ वलन तफअलू और तुम हरगिज ना कर सकोगे फत्तकु नारा तो डरो आग से अल्लती वकूदुहा जो ईंधन होगा उसका अन्नासु वल हिजारा इंसान और पत्थर और इद्दत लिल काफिरीन जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। जज़ाकअल्लाह। तो आइए अगला हिस्सा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबशिर और खुशखबरी अल्लज़ीना उन लोगों के लिए आमनु जो ईमान लाए वआमिलु और अमल किया सालिहात ने अन्ना लहुम उनके लिए बेशक उनके लिए है क्या जन्नातिन बागात तजरी बहती हैं मिन तहतिहा उसके नीचे से अल अनहार नहरें कुल्लमा जब कभी ये एक ही लफ्ज है
इसको एक ही लफ्ज के तौर पे लीजिए, और जो है रुजी को दिए जाते हैं, रुजिकना हमने दिया, रुजी को वो दिए जाते हैं, हम दिए जाते हैं, यानी रुजी को दिए जाते हैं, मिनहा उसमें से, इसमें से मिन समरतिन फल रिस्कन खाने के लिए, यानी अल्लाह ताला जो है अब खुशखबरी सुना रहे हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कि उनके लिए जन्नत है, एक नहीं जन्नत, और उनके नीचे नहरें बहती हैं, और जब कभी उनमें से उन्हें कोई रिस्क खाने के लिए दिया जाएगा तो वो क्या कहेंगे, कालू वो कहेंगे हाजल्लज़ी, ये तो रुज़िकना, वो रिज़्क जो दिया गया था हमें, दिए गए थे हम, मिन कब्लु वाउतु, हालांकि मुतशाबिहा उससे मिलता जुलता उन्हें दिया जाएगा, भी जो है ये मुहावरे के तौर पे आया, भी मुतशाबिहा उससे मिलता जुलता, वला हुम और उनके लिए, फीहा उसमें अज़वाजुन यानी बीवियां या जोड़े, यहाँ पे लफ्ज जो है जोड़ा ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि जो ऐसे हजरात होंगे जिनकी यहाँ पे शादी नहीं हुई या वहां पे मसला, उन्हें ये मिलेंगी, जो ऐसी खातिन और ऐसी वो है फीमेल जिनकी यहाँ पे शादी नहीं हुई या फौत हो गई या वो उन्हें वहां पे मर गए, तो इसलिए लफ्ज अल्लाह ने अजवाज इस्तेमाल किया यानी जोड़ा, मुतहरतु पाकीज़ा, वहम और उनके लिए, फीहा उसमें यानी जन्नत में, क्या है खालिदून हमेशा रहेंगे, यानी जन्नत की जो है अल्लाह ताला जो है वो नेमतें गिनवा रहे हैं कि वहां पे उन्हें ऐसा रिस्क दिया जाएगा जो देखने में एक सा होगा लेकिन वो जब खाएंगे कहेंगे ये तो और है, ये प्रैक्टिकली साइंस ने साबित कर दिया। आप आजकल ऐसे फ्रूट, ऐसी चीजें और ऐसी चीजें उन्होंने जेनेटिकली जो है बना ली है, ग्रो कर ली है, देखने में तरबूज है खोले अंदर से खरबूज, देखने में खरबूज है खोले अंदर से तरबूज, देखने में सेब है कांटे अंदर से आम, देखने में आम है कांटे अंदर से सेब, तो वहां उन्हें जब फल दिए जाएंगे वो कहेंगे ये तो वही है अभी तो हमने खाया था, जब काटेंगे खाएंगे कहेंगे वो ये तो कोई और फल है कोई और सेट है। ये हम आज के लोग देख रहे हैं जो हमसे पहले चल गए, उनके लिए तो ये बड़ी है, हैरत की बात थी कि कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि फल देखने में एक जैसे हो और अंदर से कुछ और, तो ये एक बात आज सांस। तो आप में से अगर कोई एक जो है काइंडली इसको रिपीट कर दे उन्हें फिर आगे चलो। इसकी बारी है जी डॉक्टर कलसुम, आप क्या इसे दोहराना चाहेंगी तर्जमे के साथ, तनवीर की अपने आप को अगर दोहराना चाहती हैं, वो नहीं हो रही है, आगे ब्रदर हसन है, प्लीज आप दोहराना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबशिर लजीना, और आप खुशखबरी दें, अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों को जो ईमान लाए, वामिलु सालिहात, और अमल किए नेक, अन्ना लहुम, के उनके लिए, जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, बागात हैं बहती हैं उनके नीचे से नहरें, कुल्लमा रुज़िकु, जब कभी वो दिए जाएंगे, उल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन समरतिन रिज़कन, जब कभी वो दिए जाएंगे उनमें से कोई फल खाने के लिए, रिज़कन कालू, तो वो कहेंगे हाज़ल लज़ी, ये वही है जो रुज़िकना हमको दिए गए थे, मिन कब्लो, इससे पहले, वऊतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि उन्हें दिया गया उससे मिलता जुलता, वलहुम और उनके लिए, फीहा इसमें, अज़वाजुम मुतहरतुन पाकीज़ा बीवियां होंगी या पाकीज़ा जोड़े होंगे, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। जज़ाकअल्लाह। तो आइए इसकी शरह देखते हैं, खुशखबरी उनके लिए जो ईमान लाए और नए काम किए, ये दोनों बहुत है।
अल्लाह ताला उनका इकराम करेगा और उन्हें इज्जत अता करेगा, मुख्तलिफ किस्म की नहरें उनके घरों के नीचे से बहती रहेंगी और उनके लिए बागात होंगे, जन्नत में मिलने वाली नेमतें अलग अलग किस्म के फल। अल्लाह ताला हर खाने के वक्त उनको सरप्राइज देगा, जब भी उनको कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे हमें ये फल पहले भी दिया गया था, जबकि वो उससे मिलता जुलता होगा लेकिन हर वक्त उसका मजा मुख्तलिफ। जन्नत में उन्हें पाकीज़ा बीवियाँ अता की जाएंगी जो जिस्मानी तौर पर भी पाक साफ होंगे और अखलाकी तौर पर भी पाकीज़ा। मैंने आपको बताया इसके शरह में जो है जोड़ है जो है वो सही तर्जमा है, तो चूंकि यहाँ पे तर्जमा डॉक्टर साहब ने जो जहाँ से लिया वहाँ ये है तो इसलिए इसका मैंने, वो लोग जन्नत में हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहेंगे, ये इंतहाई बेवकूफ़ी होगी दुनिया की छोटी जिंदगी में अल्लाह की नफरमानी करके आखिरत की हमेशा की खुशी को खो दे। इन आयात और गुज़श्ता आयात के तीन अहम उनवान, पहला तौहीद और रिसालत नज़लना अला तीसरा आखरत अन्नार और जन्नत, यही हमारी जिंदगी का महवर। तो आप में से अगर कोई इसे तर्जमे को दोहराना चाहे जी, अगर आपने तो कर लिया जी, फजील तारिक क्या आप ये करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, तर्जुमा मैं कर देता हूँ। मेरा इससे पहले एक सवाल भी है सर, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं सवाल नहीं प्लीज, आई एम वेरी बिजी, मैंने बहुत टाइम आपको लगा दिया, सवाल मैं आखिर में लूंगा, खुल के लूंगा। सर एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर आखिर में क्लास जब खत्म होगी उसके बाद आप सारी रात मुझसे सवाल, इतना टाइम है आपके लिए। चले ठीक हो गया सर, प्लीज। और बशीर लजीना व और खुशखबरी दें अल्लाजीना उन लोगों को जो आमनु ईमान लेके आए, वा और आमिलु और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती नेक, अन्ना के लाहुम उनके लिए है जन्नत जन्नत, तजरी बहती हैं मिन से तहती अल अनहार उसके नीचे से नहरें, कुल्लामा जब कभी रुजी को वो दिए जाएंगे, मिनहा इसमें से मिनस समरात ही कोई फल रिजकन खाने के लिए। जज़ाकअल्लाह, वो क्या कहेंगे? कालू वो कहेंगे हाजा ये अल्लज़ी वही है जो रिजकना हमें दिए गए थे, मिन कबली इससे पहले, व आतू बिही हालांकि इन्हें दिया गया था मुतशाबिहन इससे मिलता जुलता, वलहुम और उन सब के लिए, सॉरी आपको म्यूट कर दिया मैंने, अज़वाजन मुतहररतुन फीहा खालिदून पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और उसमें वो हमेशा रहेंगे। तो चलिए आज पहले तर्जमा देख लेते हैं, बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो डरो आग से, जो ईंधन होगा उसका इंसान और पत्थर जो तैयार की गई है काम, और खुशखबरी दी दे उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल किए नेक के, उनके वास्ते ऐसे बागात हैं बहती हैं उनके नीचे से नहरें, जब कभी वो दिए जाएंगे उन बागात में से कोई फल खाने के लिए तो वो कहेंगे ये वही है जो हम दिए गए थे इससे पहले, हालांकि उन्हें दिया गया उससे मिलता जुलता और उनके लिए उसमें पाकीज़ा यानी जोड़े होंगे और वो उसमें हमेशा रहेंगे। असबाक और दुआ की तरफ चलते हैं, असबाक हमें इससे ये मिले, वईद यानी इनकार करने वालों के लिए आग की बशारत, ईमान लाने और नए कमल करने वालों के लिए जन्नत, और जन्नत में नेमतें नहरें फल पाकीज़ा बीवियां और हमेशा हमेशा है। तो आइए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना वमा करबा अलैहा मिन कौलिन औ अमलिन वअऊज़ु बिका मिनन अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल कर और ऐसी बहुत तरह अमल का जो इस जन्नत से करीब करे, और मैं अपना मांगता हूँ तेरी आग से और ऐसी बहुत तरह अमल से जो इस आग के करीब, अपना एहतसाब करते हुए जो है प्लान बनाई इंशाल्लाह मैं कुरान और सुन्नत का मुताला करके अपने ईमान को मजबूत बनाऊंगा या बनाऊंगा और अल्लाह को खुश करने की नीयत से नेक काम करूंगा। तो आइए
अस्मा और अफाल की तरफ चलते हैं। आज के सबक में आने वालों में एक था इंसान, इसकी जमा होता है नास। ब्रदर हसन आप पूछ रहे थे ना जमा वाहिद, ये देखिए इंसान नास आया ना, इसे आपने नोट कर लेना है कि जी ये क्या है, मुकस्सर है। हजर की जमा हिजारा, ये भी मुकस्सर है, देखे से नहीं बने। जन्नत या जन्नात, ये जो है देखे सालिम बना, ये मौनिस का चेहरा इसलिए अलिफ था, ये आपने यहाँ से। नहर की जमा है अनहार, ये भी जो है मुकस्सर है। समरा की जमा है समरात, ये जो है सालिम है, क्यों अलिफ था मौनिस से लफ्ज है तो उसकी मौनिस से बना। जौज की जमा अजवाज, ये क्या है मुकस्सर। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कौन सा मुकस्सर है कौन सा जो है वो सालिम है। उनके अलहदा अलहदा जो है लिस्ट बनाए और उनको वक्तन देखने कमल एक बार तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाएंगे। और सबक के आखिर में जब आपका लेसन आएगा जिसमें इनकी 10 या 11 कैटेगरी है तो वहां फिर आपको वो रिवीजन हो जाए। तो आइए इसके अफाल देखते हैं। तीन हरफी से इत्मन में है फाला या फालू इफल फाइल अफरा या फुर उफुर काफिर मफलू कुफर आमिला यामलु एमल आमिल मामूल अमल रज़का यरज़ुकु उर्ज़ुक राज़िक मर्ज़ुक रिस्क वलदा यखलु उकुल खालिद डैश कुल एंड खुलूद। इसके दो मस्दर मफ़ऊल देंगे, ये भी आपने एक अलहदा लिस्ट बनानी होती है, उसमें आप जो है लिखे बाब फतहा और फतहा के जो जो आपके आते हैं वो उसमें जो है नोट करते हैं। बाब जो है नासरा उसके नोट कर लें, बाब जो है दरा बाब आप सब इस तरीके से आपकी लिस्ट भी बन जाएगी, आप उसको रिवाइज करते रहे। आपको इसी तरह कमजोर अफाल जो वहाबा वादा या यकसा रूप के आते हैं उनमें जर्रा यजरी इचरी जारी डैश जरिया काला या पोलू उल कायल मकूल आता याती एती आतिन मातिन इतिया। तो अब हम लेते हैं अगले हिस्से की तरफ। यस, वो ब्रदर जिसका सवाल था इस वक्त कर सकते हैं, इस हिस्से में हम एक सवाल ले सकते हैं। जी ब्रदर कीजिए सवाल, क्या आप क्लास में हैं या चले गए? फजील जी कीजिए तो सवाल। जी सर क्लास में हूँ। अच्छा सर, पीछे हमने तर्जमा पढ़ा कि कालू वो कहेंगे, तो कालू का तर्जमा मुजारे में सर क्यों हो रहा है और साथ ही उसके बाद रुजुकना है वो माजी के अंदर हो रहा है सर उसका तर्जमा, ये काइंडली सर गाइड करिएगा। आयती वा इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, जिस वक्त मैं ये बता रहा था ये लम जो है ये डिड नॉट के मैनी देता है, लन जो है विल नॉट के मैनी देता है, दोनों के मैने नहीं है। डिड नॉट जो है उसका तर्जमा तफ़अलू का माजी में ले जाएगा, लन जो है उसका तर्जमा जो है विल नॉट में ले जाएगा। तो आपने उस पर गौर किया कि मैं क्या बता रहा था, अब आपको याद आ गया? वेरी मच सर, जज़ाकअल्लाह। नहीं मैं थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया, कहते हैं ना लम डिड नॉट, जी जी लन विल नॉट, ये पर्पजली इंग्लिश के लफ्ज बोले थे मैंने ये ताकि आपका जहन जी मैं तैयार हो जाए कि ये अंग्रेजी क्यों बोल रहा है। नहीं सर वो मैंने ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, वो लाइन मैंने ना स्टडी नहीं की इसलिए। ओके ओके, इसकी रिकॉर्डिंग आएगी। थैंक यू वेरी मच सर, जजाकल्ला, थैंक यू वेरी मच। आइए अब आगे चलते हैं पार्ट टू की तरफ, टाइम कम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह आपकी क्लास को मुकम्मल। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा 4.1 ग्रामर अफ़ाल के अदा की क्लास में खुशामदीद। आज हम फतहा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का अदा, वो आपको मैंने कहा था ना ये जो अफ़ाल आते हैं ना इनको आपने बाप के तहत अपना नोट्स बनाना कि फतहा कौन कौन से आते हैं, उनकी 6 चाबियाँ लिख लीजिए, उनको हफ्ते में कम से कम एक दफा दोहरा लें। कमजोर हरूफ क्या होते हैं? वाव या अलिफ। इनके बारे में आपने 3 बातें याद रखी। पहली तो यह है कि कमजोर हरफ जिसमें आ जाए वो कमजोर होता है, ये तो हमें पता है। तो 3 बातें क्या हैं? पहली बात यह कि इनके टेबल भी जो है वो फतहा नसारा दराबा समिया के पैटर्न, इन
के जो पैटर्न है वो इसी स्टाइल पर है। कमजोर अफाल के जब भी जो है वो टेबल बनेंगे, गिरदान उसे कहते होगी, वो इनकी स्टाइल है, पहली बात। दूसरी बात, ये कमजोर है वाओ या अलिफ तो क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं, और कभी कभी एक दूसरे की जगह आ जाते हैं। वाओ थकता है तो या अलिफ आ जाता है, अलिफ थकता है तो वाओ या आ जाता है, या थकता है तो वाओ अलिफ आ जाता है। हमजा दरमियान में जो नजर आ रहा है ना, ये इनका चहता है, ये छोटा सा ही है, उसको गोद में उठाए उठाए फिरते हैं, तो नतीजा ये है कि वो उनका साथी बन गया, लेकिन वो खुद कमजोर नहीं है, ये याद रखो। तो ये एक बात, ये थी दूसरी बात। तीसरी बात ये है, अगर आपको माजी के किसी कमजोर फेल में अलिफ नजर आए तो समझ जाए, क्या समझ जाए, वो असली नहीं, वो या तो वाओ की जगह आए या की जगह। माजी के पहले सिगे में कमजोर, यानी माजी का जब के बनता है ना, जैसे वादा, ये पहला सिगा है, इसमें वाव नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे खाफा अलिफ नजर आए, ज़ादा अलिफ नजर आए, दा अलिफ नजर आए, तो समझ लें ये अलिफ असल नहीं है, असल में या तो वाव है या। हमें कैसे पता चलता है कि ये वाव है या अलिफ है, हम डिक्शनरी से देखते हैं। मसलन एक लफ्ज है काला, इसका अलिफ जो है वाव की जगह पे है, दा ये भी अलिफ की जगह। एक लफ्ज है कादा, इसका अलिफ या की जगह है, ज्यादा का अलिफ भी या। जब हमने डिक्शनरी में देखा काला का, तो हमें पता इसके रूट लेटर क्या है। नाजिया आप रिज्वाइन कीजिए, काला जो है वो काफ वाव लाम से होता है, दा जो है दाल एन वाव से होता है, इसका मतलब है काला और दा में अलिफ वाव की जगह, और कादा के जो है रूट लेटर होते हैं काफ या दाल, ज़्यादा क्यों होते हैं जा या दाल, इसका मतलब कादा और ज़्यादा में अलिफ जो है या की जगह। ये तीसरी बात है, ये कभी कभी आपको बताई जाती है, तो इसलिए इसको आपने इस स्लाइड से देख लेना है या इस जो है रिकॉर्डिंग से अलहदा से नोट कर। सेहतमंद अफाल आपने QC1 में पढ़े थे, फताहा नासारा दराबासा। फिर आप जब QC2 में आए तो आपने ये देखा, अल्लाह ने देने का वादा किया वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा काला ज्यादा, इसलिए दुआ कर हदायत की दाहदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे जन्नत तक। इसके अलावा एक और भी होते हैं यक्सा हरूफ वाले, वो क्या है जन्नत अल्लाह, और एक हमजा वाले होते हैं अमारा साला और कारा। तो ये आपने देख लिए, अब आ जाइए, ये भी आपको पता है ये तकरीबन जो है 9000 बार आते हैं कुरान में, और कुरान के अंदर हर सतर में कम अज कम इनमें से एक आया होता है। तो आप में से कोई अगर जल्दी से इस टेबल को दोहरा दे एक बार प्लीज, किसने हैंड रेज किया है, जी मुसर्रत जबीन दोहराइए। अल्लाह ने देने का वादा किया वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की दा हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे जन्ना जुल्ला। तो ये आपको आता है, और आज जो आपने दोहराई करनी है उसे गौर से देखिए। हमने कहा सेहतमंद कौन से होते हैं, फतह, तो आइए देखते हैं फतह के वजन पे कौन से अफाल आते हैं। पहले तो खुद फतह आ गया, फतह यफ्तहु इफ्ता फातिहुन मफ्तूह फतह। फिर उसके बाद दूसरा आया फाला, फाला यफालू इफाल फाइल मफूल फे, ये आपने QC1 में पढ़ा था। फिर तीसरा भी पढ़ा था, हमने कहा था पहले सेट में तीन होते हैं, कहा फाला जाला, जाला या जालू इजल जाइल मजबूर जाल। अब तीन और याद कर लीजिए, खदा यखदउ इहदा खादिन मखदून खिदा, और जहाबा यजहबु इजहब जाहिब दैब जहाब, कता यखदउ इत्ता कातिन मखदून कता। अब आपकी बारी है, तो आप लोग जो है कौन दोहराना चाहेगा, जी दोहराए। डॉक्टर कल्सूम प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और इनको दोहरा दीजिए। फतह इफ्ता फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन, जाला यजअलु इजअल जाइलुन मजऊलुन जाब, फाला यफलु इफअल फाइलुन मफऊलुन फिअलुन, खदा यखदउ इखदा खादिउन मखदूउन खिदाउन, ذهب يذهب اذهب ذاهب داش ذهاب, قطع يقطع اقطع قاطع مقطوع قطع. جی اس کے بعد ہے
बिस्मा जमील आप कराइए, मुसरत आपने करा लिया है, उनको बारी दीजिए। जी فتح يفتح افتح فاتي مفتوح فتحا فعل يفعل افعل فاعل مفعول فعل جعل يجعل اجعل جاعل مجعول جعل خدع يخطئ اخطا خادي مخطوء خدا ذهب يذهب ذاهب داش ذهاب قطع يقطع اقطع قاطع مقطوع قطع ذهب يذهب اذهب اذهب عمر نے کہا تھا ذاہب دیس ذهب گڈ تو چلیے یہ آپ کے ہو گئے فتح فتح کے وزن پہ ہم نے کیا پڑھا فتح پھر تین کم از کم کسی ون والے تو بتا دیں نا کون سے تین جالا فتح فتح فا سے فا کو ملائیں فتح سے فعلا فا سے فا فعلا آ گیا تو اس کے وزن پہ جعل آ جائے گا یہ تین تو اس طرح یاد کر لیجیے فتح اگلا فے سے فعلا اگلے تین جو آپ کو اس میں یاد کرنے تھے خدا خدا ذہبا شفا اچھا اس میں ایک کام کی بات تھی وہ میں پیچھے بتانا بھول گیا تھا تو چلیے وہاں ایک دفعہ لے جاتا ہوں آپ غور کیجئے ماضی اور مضارع پہ فتح یفتح فتح یفتح درمیان والے جو ہے حرف پہ کیا حرکت آ رہی ہے دونوں کے زبر زبر اگر ماضی میں درمیان والے کلمے پہ زبر اور مدارے میں بھی درمیان والے کلمے پہ زبر آ رہی ہو با فتح یفتح با فتح ہوگا پکی بات اگر پہلے سیرے پہ ماضی میں زبر آ رہا ہے دوسرے میں جو ہے وہ پیش آ رہا ہے مدارے میں باب نصر ہوگا نصارا ینسو اگر پہلے سیغے میں ماضی کے زبر آ رہا ہے اور دوسرے سیغے مدارے میں جو ہے کیا آ رہا ہے زیر آ رہا ہے باب کیا ہوگا دربا دربا یا دریبو زیر آ رہا ہے اگر ماضی میں ہی زیر آ گیا تھا سامیا یسو یعنی اگر آپ کو ماضی مدارے پتا ہو تو آپ باب بتا سکتے ہیں یہ چار باب کم سے کم بتا سکتے ہیں اگر ماضی مدارے دونوں میں درمیان والے کلمے پہ زبر آ رہا ہے فتح یفتح اگر جو ہے ماضی میں درمیان والے پہ زبر اور مدارے میں پیش آ رہا ہے باب نصرا ینصرو ہوگا باب نصرا ہوگا اگر ماضی میں درمیان والے کلمے پہ زبر اور مدارے میں زیر آ رہا ہے باب دربا اگر جو ہے ماضی میں درمیان والے کلمے پہ زیر اور مدارے میں زبر آ رہا ہے باب سمیا تو آج آپ نے صرف ایک باب پڑھا ہے اگلی کلاس میں اگلا باب آئے گا باب نصرا تو اس کو وہاں سے یاد آج یہ ایک تو ایک باب تو یاد کر لو نا یہ ایک باب تو سمجھ آ رہا ہے نا فتح یفتح کیسے پچھانیں گے فتح میں درمیان والے پہ زبر یفتح میں بھی آخری سے جو پہلا ہوتا ہے وہ درمیان والا ہوتا ہے آخری سے پہلے والا تا ہے تا پہ زبر آ رہی تو یہ کیا ہے دونوں میں زبر لہذا بابو تو آئیے ہم نے یہ دیکھ لیا کون سے چھ فتح فعلا جعلا خدعا ذهبا ماشاء اللہ آپ نے چھ افعال سیکھے لیکن پتہ ہے کتنے افعال اس کے پیٹرن پہ آ رہے ہیں چھ کے 500 آئے ہیں اور جب قرآن میں جبکہ اس فتح کے پیٹرن پہ 130 افعال آتے ہیں جن سے قرآن میں 1500 سیکھے آتے ہیں اور چھ افعال اگر یہ آپ یاد کریں تو آپ ان میں سے ایک تہائی تو جان گے اتنا آسان ہے قرآن یعنی بجائے 130 افعال فاتحہ کے پیٹرن پہ یاد کرنے کے صرف اگر یہ چھ یاد کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کتنی جو ہے وہ محنت کی ہے ان کو ڈھونڈا کہ کون سے کم ہے کہ ان کو یاد کر لیں تو زیادہ سے زیادہ افعال آپ دیکھیں ایک تہائی افعال آپ اس باب کے جو ہے صرف چھ کوئی دہرائے گا جی یہ تو تین اگلے تین
जी चला गया जहाबा फदा फदा जहाबा कता जहाबा। अगर आप इनके छह के आप जो है वो छह छह अब ये चले आप कुरान के समझे इस बाब फतह से जो 1500 सीखा था उसमें से 535 साल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए जी सवाल आ गए आप तो सवाल जवाब आ गए करें जी हल फतहता चले जी नेट भी गया नाम फतहतु ओके और हल फतहतु नाम फतहना फतहना और अगला है उसके बाद चले आ गया नेट ये ऐसे काम चलते रहते हैं वो जब देखते हैं ना कि ये कोई दीनी तो बीच में गड़बड़ होती है तो चले अब आपको स्लाइड नजर आ रही होगी हल तफहतम हल तफहतम ये हमारे इसका जवाब हमेशा मुदारे से आएगा इफ्तहू जमा का जालता तू के साथ आएगा जवाब जाल जालता चालू हल तजालू ना जमा गया हल फाल हल फाल तुम هل تفعلون نعم فعل افعل نفعل هل خدعت نعم خدعت ये सेकंड गलत है जी ओके शुक्रिया तो ये क्या होगा ला नखदौ अगला बताइए ला तखदौ ला अखदौ जमा है जमा कैसे जमा इसके साथ ला लगाते हैं ये बारे है ला नकता वेरी गुड एक्सलेंट 10 बटा 10 इसके लिए ला नकता
तो ये आपके छह बाब थे। फिर देख लीजिए पहला कौन सा था, दूसरा था जाला या क्या था पाला, चौथा था कौन सा हो गया? हाँ जी, छह पढ़े थे, ये तो पांच हैं, वो छठा पीछे रह गया। छह चूहे घर से चले थे। ठीक है जी, तो ये आपको मैंने कहा था क्लास के आखिर में आपको मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, इस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको गौर से याद कर लीजिए। फौका, ताहता, अमामा, खल्फा, वरा, कबला, बादा, बैना, हौला, इंदा, मा, तिलका, ये सब अस्मा। आपको याद है कि उसी वक्त में जब हम आपको हरूफ पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं तीन सेट हैं, ली मिन अन वी फी अला इला मा इंदा, और फिर वहां जल्दी से कहते हैं पहले सात जो हरफे जा रहे हैं, ये दो जो मा इंदा ये इसम है, वहां आपको हम नहीं बताते ये क्यों इसम है, ये आज आपके सामने नजर आ गया, इंदा मा ये इसम है। ये असल में इसमें जर्फ लाते हैं, जर्फ में दोनों आते हैं, जर्फ जमा जर्फ का, तो ये इन लफ्जों को याद कर लीजिए, ये अक्सर आएंगे आपके सबको में तलावत के अंदर कुरान के अंदर, वहां आपको समझ नहीं आएगा ये फेल है या इसम है या हर्फ है। तो अगर आपको ये याद है तो आप फौरन पहचान लेंगे, अच्छा जी फौका ये इसम है जी, क्यों जर्फ है, ताहता इसम है, इमामा अल्फा, वरा वरा पीछे, कबला बादा, बैना हौला इंदा मातिका। चलिए जी वादा पूरा हुआ, अब अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जल्दी से जो है जवाब दीजिए, फत्तकुन्ना एबीसीडी वो डरो आग से, डरो आग से, उसका मैं आपको सिर्फ जवाब दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, इसलिए आप ये देख लीजिएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अहरे अल्लाह ने जो है क्या है उन सब ने कबूल कर लिया, आखिर में किया था। जहन्नम में पत्थरों से मुराद है क्या, एबीसीडी पत्थर पूछा है वो, उससे मुराद मूर्तियां। जन्नत की खुशखबरी उनको दी गई है जो क्या करते हैं, ईमान लाते हैं, आमिला से अस्मा की तीन चाबियां चाहिए, आमिलुन फेल की तीन चाबियां चाहिए, क्या होगा मुदारे, नहर की जमा ये तो अनहार, फतह से अस्मा की तीन चाबियां ये वाली, ये आपने फेल, ये जो फतह यफ्तहु जिसने कहा ये है फेल, हम पूछ रहे हैं ये फातेह से अफाल की तीन चाबियां बताइए, सी जो है वो इसम,
अच्छा अलूना का तर्जमा कीजिए, ए बी सी डी आप सब बनाते आप सब बनाते हैं याद रखेंगे। एक बात ये बड़ा सवाल होता है, जहां मुदारे की चीज आए उसके दो तर्जमे हैं, अगर दोनों दिए तो दोनों मार्क करें, अगर एक दिया तो फिर उसको एक कर दीजिए, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि इसके दो तर्जमे। वमा यखदूना ए बी सी डी यखदूना, वो सब धोखा नहीं देते, धोखा देते देखिए यखदूना दो तर्जमे थे, लेकिन चूंकि यहाँ एक ही दिया गया इसलिए हमने एक सिलेक्ट कर दिया। वैसे तो इसके ये दोनों तर्जमे हैं, और वो सब धोखा नहीं देते हैं या और वो सब धोखा नहीं देंगे, लेकिन दिया हुआ एक है इसलिए हमने एक कर लिया, लेकिन हमें पता है कि जी इसका दूसरा तर्जमा क्या है। अतजअलू फीहा ए बी सी डी अतजअलू वो सब बनाते हैं, अच्छा आपने बनाया नहीं, वो सब कहां से आ गया? अतजअलू क्या आप बनाते हैं? क्या फरिश्तों ने सवाल किया था, तर्जमा कीजिए जहाब तुम ए बी सी डी तुम का सीधा है अरबी में, उन सब ने काटा ए बी सी डी उन सब ने काटा काटा वो बी उन सब ने काटा वो बताओ बी पता तुम उल बाबा المنافقون خادعون المنافقون يخدعون بي نہیں جو ہے یہ ہم کی ضمیر میں آ رہا ہے، سامنے یا اپنے لیے نہیں آ رہا۔ تو الحمدللہ آپ نے سات ہوم ورک اپنے کرنے، دو تلاوت کے، یہ پانچ منٹ نہیں، اب آپ کا ٹائم جو ہے ایڈوانس لیول میں دس منٹ کے لیے آپ جو ہے مصحف کو کھولیے اور کہیں سے بھی پڑھیے، اور پھر بند کر کے جو کچھ آپ کو یاد ہے یا اس دوران یاد ہو گیا یا پہلے سے، دس منٹ تک اسے دہرائیے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے دو جو ہے وہ اپنے کورس کی ٹیکسٹ بک، یہ جو ہے آپ کی کیو سی ٹو کی ہے، اسے کھولیں، دس منٹ کے لیے پڑھیں، اور یہ جو کارڈ آپ کو ہم نے کیو سی ون میں دیا یہ آپ کے کیو سی فائیو تک چلے گا، یہ یادداشت تیز کرنے کا۔ آپ اسے دن میں پانچ بار دو منٹ کے لیے ہر بار پڑھیے، اور ایسا ایسا چند ہفتوں میں یاد ہوگا۔ یاد ہونے کے بعد جیسے کھولیں گے، ابھی آپ پہلے صفحے پہ پہنچیں گے، دماغ آپ کا دوسرے صفحے پہ پہنچ چکا ہوگا، تیسرے پہ پہنچ چکا، اور یہ اسپیڈ ایسی ہو جائے گی کہ پورا کارڈ آپ کے سامنے نظر آنے لگے، تو اس وقت آپ کی اسپیڈ جو ہے 300 آپ خود نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو یہ ایکسرسائز کریں، ان کے ذہن تیز کیجیے۔ اور اس کورس کا لفظی ترجمہ ایک گھنٹے کا، وہی کیو سی ون کا ہے، اس میں 50% الفاظ ہیں، اس کو دہراتے رہیے، اپنے ساتھی سے کیو کی باتیں کیجیے، نماز میں مختلف صورتیں۔ الحمدللہ اس کورس میں آپ نے 37 جو ہے آیتیں پڑھی، جس میں سے 25 آج پوری ہو گئی ہیں، تو اگر آپ نے یاد کر لیا تو الحمدللہ ان کو نماز میں دہرائیں، نہیں ہے تو اب بھی موقع ہے، روز ایک آیت بھی یاد کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے ایک مہینے میں یہ پوری یاد کر لیں گے، اور آگے جو ہے یہ آپ نمازوں میں دہرائیں گے تو بار بار دہرائیں گے، آپ کو آج تو سیکھیے، ٹیچر بنیے، الحمدللہ آپ کیو سی ٹو میں، آپ کیو سی ون کو کم سے کم پڑھائیں۔ اگر آپ جب تک کورس نہیں کرتے ہیں اور آپ کے اچھے نمبر نہیں ہیں ایک ہی، تو کم از کم اپنے بچوں کو، اپنے قریبی رشتے داروں کو، میاں بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ماتحتوں کو، کسی کو بھی، ایک دو کو بھی پکڑ لیا اور ان کے ساتھ کیو سی ون پڑھانا شروع کر دیں، کیو سی ٹو کی جو ہے چیزیں ڈسکس کرنے شروع۔ تو آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اس دوران میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ مجھ سے غلط ہوئی یا میں آپ کو صحیح نہیں بتا سکے، اس کے لیے معذرت، یہ نیٹ درمیان میں آتا جاتا رہا، اس کے لیے بھی میں ہی معذرت کروں گا، کمپنی تو معذرت کرنے سے رہی۔ باقی اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے، تو جی پوچھئے جو جتنے سوال